रेतीले रेगिस्तान में प्रतिभाओं की कमी नहीं है। मरुधरा की मिट्टी से निकलकर कई युवाओं ने अपना परचम फहराया है। ऐसी ही एक प्रतिभा है गरीब परिवार से हंसाराम पटेल। दरअसल नीट परीक्षा 2021 में बाड़मेर जिले के छोटे से समधड़ी कस्बे के वेरा उंडेरिया निवासी हंसाराम पटेल ने नीट परीक्षा 720 अंकों में से 627 अंक प्राप्त कर सरकारी कॉलेज में दाखिले का इतिहास रच दिया है। इसको लेकर परिजनों और गांव में उत्साह है। समधड़ी से सुनील दबे की रिपोर्ट। रेतीले रेगिस्तान में प्रतिभाओं की कमी नहीं है। मरुधरा की मिट्टी से निकलकर कई युवाओं ने अपना परचम फहराया है। ऐसी ही एक प्रतिभा है गरीब परिवार से हंसाराम पटेल। किसी भी कामयाबी को पाने की ललक मन में हो जाए तो कोई भी चुनौती बड़ी नहीं हो सकती, ये कर दिखाया हंसाराम पटेल ने। दरअसल नीट परीक्षा 2021 में बाड़मेर जिले के छोटे से समधड़ी कस्बे में वेरा उंडेरिया निवासी हंसाराम पटेल ने नीट परीक्षा 720 अंकों में से 627 अंक प्राप्त कर सरकारी कॉलेज में दाखिले का कीर्तिमान स्थापित किया है। इसको लेकर परिजनों और गांव में उत्साह है। जितने ही अधिक अंक प्राप्त किए हैं उतनी ही कठिनाइयों भरा जीवन हंसाराम के परिवार का रहा है। हंसाराम के पिता का देहांत वर्ष 2013 में हो गया था। बड़ा भाई विकलांग होने के कारण पूरे परिवार की जिम्मेदारी हंसाराम की माता और हंसाराम पर आ गई, लेकिन फिर भी हंसाराम की माता ने हिम्मत ना हारते हुए हंसाराम को अपने मामा के पास जोधपुर अध्ययन के लिए भेज दिया और खुद ने खेतीबाड़ी के साथ नरेगा में कार्य किया। वर्ष 2019 में 493 अंक प्राप्त हुए जो सरकारी कॉलेज में दाखिले के लिए पर्याप्त नहीं थे। पुनः प्रयास के लिए 2020 में 595 अंक प्राप्त हुए, वो भी सरकारी कॉलेज में दाखिले के लिए 10 अंकों से पीछे रह गया। वहीं कोविड-19 के चलते ऑफलाइन क्लासेज सभी बंद थी। अपना और परिवार का सपना साकार करने के लिए ऑनलाइन क्लासेज के जरिए तैयारी निरंतर जारी रखी और 2021 के परिणाम में सफलता हासिल करते हुए 720 अंकों में से 627 अंक प्राप्त किए। शुरू से ही पढ़ाई में रुचि रखता था और यहाँ पर जब मैं छोटा था तब मेरे सातवीं क्लास में पढ़ता था तब मेरे पिताजी का देहांत हो गया और उसके बाद पूरे परिवार का भार मेरे ऊपर था। परिवार में मेरे माताजी, बड़े भाई जो कि दोनों पैर से विकलांग हैं और दो बड़ी बहनें हैं, तो उसके बाद पिताजी के जाने के बाद पूरा भार मेरे ऊपर था। उसके बाद मैंने यहाँ से दसवीं तक की क्लास गाँव समधड़ी से की और उसके बाद 11वीं 12वीं मामा के सपोर्ट से मैं जोधपुर में पढ़ा। 12th करने के बाद उन्होंने मुझे नीट के लिए प्रेरित किया और नीट में मैंने सन 2019 में प्रथम बार अटेम्प्ट किया और उसमें मेरे 493 अंक थे। उस टाइम मेरा चयन नहीं हुआ। उसके बाद दूसरी बार फिर प्रयास किया, उसमें मेरे 595 नंबर थे, फिर मैं 10 नंबर से रह गया गवर्नमेंट सीट से। उसके बाद मैंने एक बार फिर रिपीट किया और इस साल नीट 2021 में मेरे ऑल इंडिया रैंक 9210 और ओबीसी कैटेगरी रैंक 3450 के साथ मेरा चयन हुआ और इसके लिए मैं अपना इस सफलता के लिए मैं श्रेय देना चाहता हूँ मोहम्मद श्री भोला राम जी चौधरी रामदेसीपुरा के। लोगों को मैं यही कहना चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने जो भी जिस चीज़ में वो रुचि रखते हैं उसी फील्ड पे काम करें। जरूरी नहीं है कि आप पढ़ाई में हमेशा आगे बढ़े, और भी कई चीज़ें खेल रहे और भी कई आर्ट्स है जिसमें वो भाग ले सकते हैं, जैसे फोटोग्राफी है और स्केचिंग वगैरह बहुत सारे आर्ट है उनमें पार्ट ले सकते हैं। जिसमें आप अभिरुचि रखते हैं उस फील्ड में ज़्यादा से ज़्यादा जाने की कोशिश करें। इस बार नीट की परीक्षा में 16 लाख विद्यार्थियों ने भाग लिया था जिसमें हंसाराम की ऑल इंडिया 9210, ओबीसी कैटेगरी में 3450 भी रैंक आई। उन्होंने अपनी सफलता का श्रेय माता के कठिन परिश्रम और मामा भोलाराम चौधरी के सहयोग को बताया। हंसाराम बताते हैं कि अब उनकी इच्छा ऑक्टोलॉजिस्ट में स्पेशलिस्ट करने की है। इसके बाद कैंसर पीड़ितों का सफल और निशुल्क उपचार करने की बात कही। वहीं हंसाराम पटेल के चयन के बाद परिवार में खुशी का माहौल है तो कई लोग उसे बधाइयां देने आ रहे हैं।